दोस्तों G20 के बाद में किन्हीं दो देशों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है तो वो है पाकिस्तान और की सोच चाइना। में और एक लीडर की सोच में क्या फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो सोचता है कि आज की जिंदगी बस इसी तरीके से कट जाए, आज सुबह उठाए और शाम तक उसका काम किसी तरीके से चल जाए। पर एक लीडर जो होता है वो आगे 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल का टारगेट ले। दोस्तों G20 के बाद में किन्हीं दो देशों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है तो वो है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान को तो इसलिए, बेचारा G20 का पार्टी नहीं है तो उसको तो मिर्ची लगना लाजमी है, कोई पूछता ही नहीं है कि वो कहां पर पड़ा हुआ है। और चाइना को इसलिए मिर्ची लग गई क्योंकि चाइना G20 में आया नहीं, मतलब चाइना का जो मुखिया है वो नहीं आया, किसी और को भेज दिया। और उसके बाद भी G20 की जो सक्सेस है वो भाई साहब झंडे लहरा रही है। और आज की डेट में इंडिया की कनेक्टिविटी अलग अलग एरिया में अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में जो G20 के बाद जो बातें निकल कर आ रही है उससे ये गर्मी और ज्यादा बढ़ जा रही है। अभी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ना, उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि एक नॉर्मल इंसान की सोच में और एक लीडर की सोच में क्या फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो सोचता है कि आज की जिंदगी बस इसी तरीके से कट जाए, आज सुबह उठाए और शाम तक उसका काम किसी तरीके से चल जाए। पर एक लीडर जो होता है वो आगे 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल का टारगेट लेके चलता है। उसी का एक जीता जाता उदाहरण है आप लोगों के सामने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए थे और 2015 में बैठ के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 की बातें कर रहे हैं, यानी कि 15 साल बाद की बातें कर रहे हैं। और उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। अभी इसी की तर्ज पर चलता हुआ एक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर, इंडिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा जो अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात की गई और खासकर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को इससे इसलिए भी लगी क्योंकि बहुत लंबे समय से एक पाइपलाइन है जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं तापी पाइपलाइन। ये तापी पाइपलाइन इंडिया ने सोचा था, यार पड़ोसी देश है, थोड़ा बहुत बदतमीज है, चलो कोई नहीं सुधर जाएगा, एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं और आराम से काम चल जाएगा। तो तुर्कमेनिस्तान से होती है पाइपलाइन, ये अफगानिस्तान से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई हमारे देश के अंदर में एंट्री कर रही थी। पर लेकिन आज तक इस पाइपलाइन को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया गया और उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन का देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या था, यहां से चक्कर घूमना स्टार्ट हो गया और ये चक्कर घूम गया। अब बात की जा रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया की कनेक्टिविटी के बारे में और यहां पर एक पाइपलाइन बनने जा रही है जिसमें ये जो पाइपलाइन है इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ में कनेक्ट करेगा। हो सकता है ये यूएई के साथ में है या फिर ओमन के साथ में है, ये तो बाद में डिसाइड किया जाएगा। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर पाकिस्तान बाईपास हो चुका है। पाकिस्तान को कोई पूछेगा नहीं अब कि भाई साहब तुम्हारी जरूरत थी हमें, तो अब उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, हमारा काम जो है वो निकल गया है। देखो आने वाले टाइम में ना जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, आप लोगों को पता है हम लोगों ने अभी अपना टारगेट रखा है अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का 2070 तक का, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। इसी तरीके से चाइना का भी टारगेट है 2060 तक का, इसी तरीके से यूरोपियन कंट्री का बहुत सारी का टारगेट है 2050 तक का, और इसी में सऊदी अरेबिया का भी टारगेट आप लोगों को 2060 तक का देखने को मिलेगा। तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देश जो हैं अलग अलग पैटर्न में अपनी कनेक्टिविटी एनर्जी के फील्ड में करते हुए जा रहे हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण अभी इंडिया और सऊदी अरेबिया की कनेक्टिविटी के बीच में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। क्या ये एकदम निकल के आ गया कहीं से, ये फूंक मारी एकदम प्रेजेंट हो गया, नहीं, किसी के पास में अलादीन का चिराग नहीं है, कोई फूंक नहीं मारी गई है, ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश नहीं मतलब सोचा समझा एक तरीके से विचार किया हुआ एक टॉपिक है जिसके ऊपर काम चल रहा है पूरा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, हम लोग बात कर रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में और इसमें पूरा फोकस किसके ऊपर है, पूरा फोकस है सोलर एनर्जी के ऊपर। क्योंकि आज की डेट में हम लोग धरती पर कहीं भी हो कहीं ना कहीं सूरज जरूर निकला होगा, क्योंकि ये जो हमारा गोला है ना ये जो घूमता है इसके घूमने की वजह से कहीं ना सूरज निकला ही रहता है। तो सोचो जिस इंसान ने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि हाँ ऐसा कुछ करने वाले हैं, उसमें हमारा जो देश है उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और उसी परिवार में चाइना और पाकिस्तान भी आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि परिवार के दो वो बिगड़े हुए बालक हैं जो कि साथ काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा यह है कि दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सूरज निकला रहता है, तो क्यों ना उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। तो इससे क्या होगा, जो आज की डेट में हमारे टारगेट हैं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के, ये उसकी ओर एक बढ़ता हुआ कदम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोचो इंडिया के अंदर में सूरज जो निकला हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो जो देश इक्वेटर के पास में है ना वहां पे एनर्जी की भरमार है,
तो सोचो अगर उन उन देशों के अंदर में हम लोग एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं सोलर पैनल के थ्रू, और जहां जहां देशों में ये पर्टिकुलर सूरज की एक तरीके ना सूरज की इतनी कृपा नहीं रहती है वहां पर हम लोग ये चीजें आसानी से भेज सकते हैं, तो इसी ओर बढ़ता हुआ ये एक कदम है। तो सोचो एक टाइम पर ऐसा हुआ था हमारे देश के अंदर में, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में बिजली जो है वो खत्म हो गई थी। हम लोगों ने यहाँ पर भूटान नेपाल से काफी लार्ज स्केल पर बिजली को जो है वो इंपोर्ट किया था उस टाइम पर। तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पता चला बिजली नहीं है कहीं पर भी, तो इस कंडीशन को कभी इस तरीके की सिचुएशन को न बनने से रोकने के लिए यहाँ पर पहले ही दुनिया जो है इसका जुगाड़ करके बैठ गई है। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला जा रहा है यहाँ पर ये है बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि ग्रिड के थ्रू कनेक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी। अब कनेक्टिविटी कैसे होगी, सोचो अभी इंडिया के अंदर में यहाँ पर सूरज निकला हुआ है तो उसमें अभी यहाँ पर हम लोगों ने सोलर एनर्जी को जनरेट किया, उस सोलर एनर्जी को पाइपलाइन के थ्रू हम लोग सऊदी अरब में पहुंचा सकते हैं, सऊदी अरब से वो यूरोप के अंदर में जा सकती है या फिर और दूसरी जगह यहां पर पहुंचाया जा सकता है। नॉर्थ पे ज्यादा फोकस कराने वाला है, क्यों, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो ऑलरेडी सूरज देव की इतनी कृपा रहती है यहां पर, अगर यहां पर आसानी से सोलर ग्रिड भी आप लोगों ने सोलर पैनल भी आप लोगों ने लगा दिए तो उसके थ्रू आसानी से काम किया जा सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट है ना जिसको मैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का नाम दे रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भाई साहब दुनिया को एक जगह लाने का काम करेगा। मतलब यहां पर ये कि जो बॉर्डर खत्म होने का काम करेगा, एक तरीके से बॉर्डर खत्म करने का काम करेगा। तो कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है यहां पर, ये बेसिकली अक्रॉस द बॉर्डर देखने को मिलेगी, तो यहां पर बिजली एक एरिया से दूसरे एरिया में बेसिकली आसानी से सेंड की जा सकेगी, तो दुनिया एक जगह और आती हुई नजर आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस होगा, यानी कि अक्षय एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसका शायद ही कोई बोल सकता है कभी खत्म होगी। बिजली बैटरी सारी चीजें आप लोगों की डाउन हो जाती है, पर लेकिन सूरज भगवान की बैटरी तो कभी डाउन नहीं होती है। बादल थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि धरती पर न आना, पर लेकिन क्षण भर का वो काम होता है, उसके बाद में फिर उनकी एक तरीके से एक ताकत जो है वो धरती तक पहुंची जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात है आज के में कॉस्ट, तो एड्रेस करना हाई कॉस्ट जो एनर्जी स्टोरेज है उसको कैसे डील करना है, क्योंकि सूरज से जो किरणें आएंगी उससे हम लोग बिजली तो बना लेंगे पर वो बिजली जो है वो स्टोर कैसे की जाएगी, अब सबसे बड़ा मुद्दा ही है। और इसी के ऊपर अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा अभी मैंने डिस्कस किया था कि यूरोप के अंदर में सैंड यानी कि रेत से बेसिकली बैटरी बनाने की बिजली को स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी ऐसे ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसी पैटर्न पर चलते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि आज की डेट में कनेक्टिविटी बनाई जाए और इंडिया और सऊदी अरेबिया यहां पर चीजों को आगे लेकर चले, और बोल सकते हैं ये सारा का सारा काम जो है 2030 तक किया जाएगा। क्यों, क्योंकि 2030 तक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो सबसे आप लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर कई सारे गोल आप लोग यहां पर नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहां पर, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आप लोग बात कर ले, सबसे पहले तो सातवां गोल आप लोग देखिए, ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में यहां पर बात करता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री के अंदर में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए तो यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सस्टेनेबल सिटीज अगर कम्युनिटी चाहिए तो यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करें तो क्लाइमेट को डील करना है यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ये लेक्चर देखने के लिए भी आप लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हर चीज के लिए आप लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलो लेक्चर तो फिर भी अलग चीज हो गया, आप लोग जब सुबह सोकर उठते हो ना, जब आप लोग 6-7 घंटे अपना सोते हो और उससे पहले आप लोगों ने मान लीजिए शाम को जो है 4-5-6 बजे खाना खाया हो, पूरा आप लोगों का जो गैप हो गया है, सुबह को उठ के जब चलोगे ना सबसे पहले आप लोगों को लगेगा कि यार बॉडी के अंदर में एनर्जी नहीं है, कुछ थोड़ा खाने पीने का हो जाए। तो यानी कि इंसान के शरीर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो यहां पर हर एक चीज जो धरती पर है उसको चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसी रिक्वायरमेंट को पूर्ति करते हुए यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया के लीडर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम हुआ करता था कई सारे देश जो थे वो दूसरे देश से डरा करते थे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी इस लेवल की हुआ करती थी कि उनका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी भी मुझे याद आ रहा है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मालाबार एक्साइज के बारे में। मालाबार एक्साइज जो थी वो 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी, एक नेवल एक्सरसाइज, पर लेकिन इंडिया जो है यहां पर इसको लेकर आगे नहीं चल पाया, ये रुक गई। न्यूक्लियर टेस्ट किया गया जब 1998 में, तो यहां पर ये जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई, उसके बाद में फिर से ये ट्रैक पर आई और चीजें आगे बढ़ी। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन दिया कि आओ तुम इसका परमानेंट पार्ट बन जाओ, पर उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया चाइना के इतने प्रेशर में था,
कि उसने उसको मना कर दिया ज्वाइन करने से, जबकि सामने से इनविटेशन गया गया था। वो इनविटेशन आगे चलकर जब यहां पर कैंसिल हुआ और फिर ऑस्ट्रेलिया खुद यहां पर एक तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए इंडिया के पास में आया, और इंडिया ने काफी लंबे समय तक उसको पेंडिंग में डाले रखा कि तुमको पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम्हारी फॉरन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम किसी दूसरे से डर कर अपनी फॉरन पॉलिसी चेंज कर देते हो तो क्या फायदा तुम्हारे साथ में रिलेशन बनाने के, तुम हमारे लेवल के नहीं हो, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया की यहां पर सरकार चेंज हुई और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार एक्साइज का पार्ट है। तो इसी तरीके से अलग अलग लेवल पर कनेक्टिविटी देशों की आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है कि सिंगापुर के साथ में सेम एनर्जी कनेक्टिविटी बनाई जाए, और यही कनेक्टिविटी आगे चलकर अगर इंडिया के साथ में कनेक्ट होती है इधर से, उधर से सऊदी अरेबिया के साथ में कनेक्ट होती है, तो यहां पर ये इस तरह का ग्रिड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो मैंने आप लोगों को बताया। ये जो सिस्टम है यानी कि जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला ये पैटर्न है, ये अभी हल्का हल्का सा बिछाना स्टार्ट कर दिया है दुनिया ने अपना अपने लेवल पर, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो आने वाले टाइम पे ये और लार्ज स्केल पर इसकी खबरें सुनने को मिलेगी। मतलब जो ये प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर देख रहे हो ना, इसको ये सुन के मत छोड़ देना कि हाँ ये तो बस अभी रिसेंट की बातें चल रही है, आगे ये न्यूज में नहीं आएगा। ये इतना ज्यादा न्यूज में आएगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को इसमें काम जो है वो आगे चलता हुआ नजर आएगा, और इसी की डायरेक्शन को इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अपने कदम एक एक तरीके से आगे फॉरवर्ड इसमें किए हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप जो काउंसिल है यहां पर, इसकी अभी जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली वो भी इसी ओर इशारा करती हुई आप लोगों को नजर आई कि इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक एनर्जी रिच कंट्री आप लोग बोल सकते हो। यहां से हम लोग काफी लार्ज स्केल पर ऑयल जो है गैस वो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखो आप लोग यहां पर, अगर देखें यहां पर इधर भी आप लोग यहां पर ये वाला मैप देखिए, इधर आप लोगों को सऊदी अरेबिया अगर जाएंगे, इधर पर्शियन गल्फ हो गया, इधर रेड सी हो गया, इधर आएंगे तो अरेबियन सी हो गया, हालांकि बीच में यहां पर ये कंट्री पड़ रही है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आसानी से इसके पास में रास्ता है कनेक्टिविटी करने के लिए, अगर चाहे तो ये आसानी से बाहर के साइड में कनेक्टिविटी कर सकता है। जैसे हम लोग अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे तो पाकिस्तान से या तो परमिशन लेनी पड़ रही थी या फिर ईरान से परमिशन लेनी पड़ रही थी, पर लेकिन यहां पर अगर चाहे सऊदी अरेबिया तो आसानी से काम कर सकता है। हालांकि अभी भी यहां पर मिलकर काम करेंगे, जैसे ओमन के थ्रू अगर वो पाइपलाइन जाती है तो फायदा उस देश को भी देखने को मिलता है जिस देश के थ्रू ये होकर जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर नया हाईवे निकाल दिया तो आसपास की जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल पर ये कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ती आगे नजर आएगी तो एनर्जी इजीली एक दूसरे के देश में जो है वो ट्रांसफर की जा सकेगी। और दोस्तों ये जो काउंसिल है ना जिसके बारे में सुन रहे हो आप लोग, यार ये पार्टनरशिप काउंसिल कहां से आ गई, ये आज की नहीं है, ये पुरानी है। तो कल को अगर एग्जाम में आप लोगों से कोई पूछ लेगी यार ये काउंसिल कहां से आ गई, तो ये मत बोलना यार ये तो अभी अभी नई नई लॉन्च हुई है, 2019 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है सऊदी अरेबिया की विजिट पर थे, उस टाइम पर इसके बारे में जिक्र किया गया था कि ऐसा कुछ अच्छे से हम लोग लेकर चलने वाले हैं, तो वहां पर इसको बेसिकली साइन किया गया था। बेसिक मुद्दा क्या था इसका कि हम लोग पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल और कल्चर कोऑपरेशन के साथ साथ में इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फोकस देते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहां पर छोटी छोटी भी मीटिंग आप लोगों को होती नजर आएंगी। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है कि समिट लेवल प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस की रहेगी, फिर मिनिस्टर लेवल मीटिंग रहेगी, सीनियर ऑफिसर रहेंगे और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी रहेंगे। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि नीचे जो है छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे, और जब ये एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएंगे तो फिर जो लीडर हैं बैठकर उसके ऊपर अपने साइन कर देंगे, और फिर यहां पर ये रिजल्ट निकल कर आएगा जो कि इंप्लीमेंट करने लायक होगा। एक ऐसा इंटरेस्टिंग एंगल जो आप लोगों सबको सोचना चाहिए, सऊदी अरेबिया या फिर वे देश जो कि तेल आज की डेट में प्रोड्यूस करते हैं उनके माथे पर पसीना आना स्टार्ट हो चुका है जैसे जैसे हम लोग यहां पर सोलर और यहां पर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसलिए ये जो देश है ना इन्होंने अपनी जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर कल को तेल के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा रे कालिया, वो वाली बात हो गई, तो इन्होंने अपना अपना एरिया दायरा जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, और उसी का रीजन है इंडिया के साथ में इनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप लोग यहां पर देखो सऊदी अरेबिया जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है 50 बिलियन ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी इंडिया के साथ मिलकर। इसी के साथ में यहां पर ये एनर्जी डिफेंस सेमीकंडक्टर और स्पेस में मिलकर काम कर रहे हैं इंडिया के साथ में। इसी के साथ में सिक्योरिटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया के साथ में, हेल्थ केयर ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर इनमें भी काम कर रहे हैं। यानी कि अपना जो आज की डेट में डिपेंडेंसी थी इसकी ऑयल के ऊपर उसको ये डाइवर्स कर रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करेंट रिलेशनशिप में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक मेनली जो ज्यादातर मुद्दा था कि सऊदी अरेबिया से तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं,
पर लेकिन अब तेल को हटकर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप में आ रहे हैं। इवन यहां पर सोलर एनर्जी के ऊपर भी बात की जा रही है, ये एक डिफरेंट एंगल हो गया सोचने का। आगे चलकर हम लोग यहां पर डिजिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वो सऊदी अरेबिया जो एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, कहते हैं ना कि अपने सारे जो एग हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, टोकरी गिरी तो सारे एग फूट गए और सारे एग फूट गए तो भाई साहब निहत्ते हो गए। तो इसलिए अलग अलग जगह जो है आप लोगों को अपने पैर रखने चाहिए चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। एक इंसान जब मेहनत करता है तो उसकी बॉडी बनती है, और ये बॉडी ऐसा नहीं कि इमीडिएटली बन जाएगी और आप लोग जो है खली बन जाओगे या फिर आप लोग आर्नोल्ड बन जाओगे, ये आराम आराम से बनेगी। तो ऐसे ही रिलेशनशिप जो है वो आराम आराम से इस्टेब्लिश होती है, और यही आराम आराम आप लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। 2010 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी विजिट किए थे यहां पर इंडिया के अंदर में, तो वहां पर रियाद डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसमें यहां पर बायलेटरल रिलेशनशिप को अपग्रेड करने की बात की गई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तौर पर, यानी कि पहले जितना अच्छा था उससे और ज्यादा अपग्रेड किया गया, और अच्छे लेवल पर बैठ के बातें करेंगे दो दोस्त। फिर आगे 2016 में किंग सलमान के द्वारा, ये यहां पर काफी बड़ी बात होती है कि अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड किसी देश के लीडर को दे देना, ये दिखाता है कि तुम्हारे साथ में हमारा याराना बहुत अच्छा है। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तो सोले मूवी वाला डायलॉग याद आ जाता है फिर यहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में अगर आगे आप लोग बढ़ोगे, क्राउन सलमान जो है जब इंडिया के अंदर में विजिट किए, तो यहां पर फरवरी 19 में उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि 100 बिलियन इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहां पर दिख रही थी। इसी के साथ में यहां पर आगे चलकर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात की गई, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए, जिसके थ्रू अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट की जानी है, और उन्हीं इंप्लीमेंटेशन की ओर ये बढ़ते हुए कदम है जो G20 के बाद में आप लोगों को सुनने को मिले हैं। एक लाइन जो इस स्लाइड में लिखी हुई है कई बार कंफ्यूज कर देती है, इंडिया इज सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वेयर एज सऊदी अरेबिया इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इस लाइन को पढ़कर आप लोगों के मन में क्या समझ में आता है? इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि ये लाइन पढ़ने के बाद में अगर ढंग से आप लोग समझोगे तो सऊदी अरेबिया के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये बात बोला गया कि इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए यहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, जबकि सऊदी अरेबिया हमारे लिए फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है अगर ट्रेड के बारे में यहां पर बात करते हैं। एक्सपोर्ट यहां पर दिखाया गया है, ये डेटा मत रटना, ये बेसिकली दिखा दिया गया है ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके। सऊदी अरेबिया जो है वो 18th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अगर बात करें पुराने कुछ डेटा के बाद में मार्च 2022 के, और इंडिया जो है यहां पर अभी ये अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन की बात इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है एनर्जी और दूसरे कई सारे और एरिया में। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है डिफेंस के बारे में भी अगर बात करेंगे तो नेवल एक्सरसाइज ये है अल मोहम्मद अल हिंद। तो कोई पूछे आप लोगों से या सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर याद रखना। 7% जो पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया की वो इंडियन है, ये आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आप लोगों को बताएं, हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, अपने अपने रिलीजन को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का फंडामेंटल राइट में हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहां पर बात करते हैं बेसिकली राइट टू रिलीजन के बारे में। तो इसलिए हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और उनको हमारी सरकार जो है अलग अलग तरीके से सपोर्ट भी करती है। उसी का एक तरीका आप लोगों को देखने को मिल रहा है जब हमारे देश की साइड से यहां पर बेसिकली रिक्वेस्ट की गई सऊदी अरेबिया से, तो उनके द्वारा 24,975 ये 2019 में ये इसको बढ़ाकर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल जो हज का कोटा हो गया है इतना इंक्रीज किया गया। तो अब 200,000 इंडियन हर साल यहां पर हज जो है अपनी परफॉर्म कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में जाकर, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहां पर हम लोगों ने भी COVID-19 के टाइम पर साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हम तो वही दोस्त हैं जो कि भाई साहब दोस्ती मरते दम तक निभाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि इंडिया ने 4.5 मिलियन कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो यहां पर सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड कराई थी COVID-19 के टाइम पर, उस टाइम पर जब यूएसए जैसे देश ने भी पलटी मार ली थी कि भाई साहब पहले हम लोग अपने आप को एक डोज, दो डोज, तीन डोज, बूस्टर डोज, ट्रिपस्टर डोज, पता नहीं कौन कौन सी डोज दे दी, पर दुनिया को दवाई नहीं बांटी। और उस टाइम पर हमारे देश ने अपने देश के अंदर भी ये बोलने लगे थे लोग कि हम लोग अपने देश के बारे में सोच नहीं रहे, दुनिया को दवाइयां बांट रहे, ठीक है? हमारे लोगों को नहीं मिली फिर भी हम लोगों ने दूसरों को दवाइयां दी। तो ये हमारी दरिया दिली का उदाहरण उस टाइम पर देखने को मिला दुनिया के सामने, तो अपने आप में काफी बड़ी बात थी, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, रटनी कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की डेवलप होगी तो कुछ लिखने के लिए आएगा तो अच्छे से आप लोग लिख भी पाओगे, ठीक है? टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए
एक तो एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, तो एनर्जी के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2017 में डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें वेस्ट एशियन नेशन जिसमें सऊदी अरेबिया भी है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और सऊदी अरेबिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से देखो तो 2016 में क्वेश्चन देखो आप लोग यहां पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पूछ लिया कि कौन मेंबर नहीं है, G20 के पूछ रहे थे कौन मेंबर है, आगे चल के G7 के पूछ सकते हैं कौन मेंबर है। इसी तरीके से जो ग्रुप है जैसे आसियान, अभी ब्रिक में नए नए मेंबर जुड़े हैं, बताइए कौन कौन से मेंबर अभी ब्रिक के अंदर में नए जुड़े हैं, और यहां पर साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था। तो ये सारे वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आसानी से आप लोगों से बन सकते हैं। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमन या कुवैत, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यहां पर ईरान। एक्सप्लेनेशन यहां पर है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर इसका सऊदी अरेबिया में है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में कोई पूछे तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की तैयार हो गई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को और कंठस्थ कर सको, क्योंकि पढ़ना और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में यही फायदा रहता है कि चीजों को आप लोग लंबे समय तक याद रख पाते हो। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? ऑलरेडी इंडिया और वियतनाम के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर में। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट, जो मैंने लाइन पढ़ी थी वही बात यहां पर बोली गई है, सही है या फिर गलत है बताइए। दूसरा, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां पर सोर्सिंग है, यहां पर डेस्टिनेशन अगर 2022-23 के बारे में बात करें, टू एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्साइज अल मोहम्मद अल हिंद ये देखने को मिला यहां पर। इसी के साथ में 2022-23 में यहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है ये ऑल टाइम हाई 52.75 बिलियन देखने को मिला। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये आप लोगों को बतानी है। वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट कर लिया करो, भगदड़ी नहीं मचानी है, कहां जाओगे अभी यहां पर शांति में थोड़ा सुन लो तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। सऊदी अरेबिया जो है वो ओनली कंट्री है इन द मिडिल ईस्ट जो कि शेयर करता है बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ और रेड सी के साथ में। जो मैप में आप लोगों को दिखा रहा था ना बार बार, उसका यही पर्पस था ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सको। तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको देखा है। सऊदी अरेबिया जो है वो शेयर करता है बॉर्डर अपना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ऑल मेंबर के साथ में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? सही आंसर बताइए। तो पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। इस टॉपिक के तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आप लोगों के, एक तो पहले वाला हो गया बेसिकली ये जो था आप लोगों का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, दूसरा ये हो गया, इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है ये जो भी आप लोगों को पढ़ाई है, तो आंसर इसका डी हो गया। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर ये हो गया तो इसका आंसर सी हो गया, यानी कि करेक्ट है। यहां पर आप लोगों को ये मैप जो दिखाया था इसका बेसिक पर्पज ये था ताकि आप लोगों के चक्षु खुले रहे, चक्षु बंद न हो, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक फीडबैक जरूर देना, एक टॉपिक नहीं था कई सारे टॉपिक थे, वन सन वन ग्रिड के बारे में बात कर ली, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात कर ली, इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर ली, और जो रिसेंटली अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं यहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में उसके बारे में बात कर ली, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के हो गए यहां पर। तो इसको कहते हैं चीजों को ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है। तो पढ़ना है तो पढ़ो और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, मतलब जो करो ढंग से करो, जहां रहो 100% रहो, फिर देखो रिजल्ट भी 100% ही आएगा और लोग आप लोगों से पूछोगे भाई साहब ऐसा कैसे कर लेते हो, ठीक है, तो फिर बताना कि फोकस बस एक ही जगह लगाते हैं और वह है पढ़ाई, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, और आंसर लिखने की कोशिश जरूर करना।